आपको बता देता हूँ आपने खड़े किस तरह से होना है फ्लिक शॉट के लिए। अभी बॉल को रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपने खड़े होना है, आपकी जो लेग्स हैं वो ज़्यादा ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको इस एंगल से नहीं समझ आएगी, इधर से देख लीजिए। आपकी लेग्स जब इस तरह से होंगी ना, ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा ओपन है, फिर आप लोग फ्लिक शॉट नहीं लगा सकेंगे। जब आपकी लेग्स थोड़ी कम क्लोज होंगी फिर भी नहीं लगा सकेंगे। जब आपकी लेग्स थोड़ी सी ना ज़्यादा क्लोज होंगी ना ज़्यादा जो है ना खुली होंगी तो फिर आप लोग शॉट लगा सकेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो होगी आपकी खड़े होने की पोजीशन। आपकी जो है ये हाथ है, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन है तो इसको आपका फुल टाइट होना चाहिए, कम नहीं फुल। और ये आपका जो हाथ है इसको नॉर्मल टाइट रखना है। जब नॉर्मल टाइट होगा और इसके बाद आप इस तरह से खड़े होंगे, आपकी ये चीज़ आपका फेस बैट्समैन बॉलर की तरफ होगा, आपने बॉलर के हाथ को पिक कर लिया है, आपको पता चल गया जी बॉलर अभी आगे बॉल कर दिया, आपने फ्लिक करना है। जो बॉल आपको मिल गया उसको फ्लिक किस तरह करना है, ठीक है। ये आप लोग खड़े हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो हाथ है ना, ये ऐसे शॉट करना है आपने, ये ऐसे शॉट करना है। तो आप लोगों का बैट यहाँ से नहीं आना चाहिए, क्या आप लोग सोचते हैं ऐसे धोनी की तरह, वो फ्लिक शॉट नहीं, वो हेलीकॉप्टर शॉट है, वो अलग चीज़ है। फ्लिक शॉट होती है ये वाली, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ किस तरह से आप खेल सकते हैं, आपने इस तरह से बैट रखा हुआ है, आपका जितना नीचे से ग्रिप किया होगा, ये देख लीजिए आप, अगर यहाँ से ग्रिप करते हैं फिर फ्लिक मुश्किल होता है, अगर आपका यहाँ से ग्रिप करते हैं ना तो आप लोगों की जो है ना अच्छे तरीके से फ्लिक शॉट लग जाती है। इस तरह से आप लोग खड़े हैं, आप लोगों का ये हाथ टाइट है, आपने कोशिश करनी बैट को झटका देना है, इस तरह से छोड़ना नहीं है। ये देख लीजिए, झटका मारना है बॉल को, मारना है, ये देखने इस तरह से, इस तरह जब करेंगे बॉल को हिट होगा तो बॉल बाउंड्री भी क्लियर कर जाएगी। इसके बाद दूसरी मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं ना मैं खड़ा खड़ा इस तरह से करूं फ्लिक लग जाएगा, नहीं लगेगा। आपकी लेग्स का बहुत बड़ा रोल है यार इसमें। क्या रोल है मैं बता देता हूं। जब आपने शॉट करनी है आपका बैट ऊपर की तरफ जाए, ये देख लें, ये फ्लिक शॉट है, बैट ऊपर की तरफ, लेग्स नीचे की तरफ, ये देख लीजिए इस तरह से। आपके लेग्स थोड़ी से बैंड होनी चाहिए फ्लिक शॉट के लिए। कुछ शॉट होते हैं जो यहाँ पर आ गया उसके लिए लेग्स को बैंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 90% बॉल आते हैं फ्लिक शॉट के लिए, उनको खेलने के लिए आपको इस तरह से करना होगा। या तो आपकी लेग्स इस तरह से ओपन करनी होगी नीचे करने के लिए, या आप लोगों को इस तरह से करना होगा, ठीक है। यानी कि आपका बैट ऊपर की तरफ, लेग्स नीचे की तरफ, ये देख लें लेग्स। ये नहीं कि आप लोग इसका आज शॉट खेल रहे हैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा बैंड करना है शॉट करते वक्त, इस तरह से जब आप शॉट करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिक शॉट करेंगे। तो इसके साथ मैं डिस्क्लेमर ऐड भी करता जाऊं, वो ये है कि आप लोग एक दिन में फ्लिक शॉट नहीं सीख सकते हैं यार। आप लोगों में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, दो मैच में यूज़ करते हैं, नहीं लगे आगे कमेंट कर देते हैं कि यार हमसे तो लगती नहीं, आपने गलत बताया। भाई फ्लिक शॉट फ्लिक क्या, कोई भी शॉट है यार क्रिकेट में, वो सीखने के लिए आपको हफ्तों मेहनत करनी पड़ती है, महीनों मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग अगर फ्लिक शॉट लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगी, उसके बाद रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये वीडियो स्पेशल डिमांड पर बनाई गई थी, हमारे एक दोस्त थे उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई फ्लिक शॉट पर वीडियो बना दीजिए, उनकी डिमांड पर वीडियो बनाई है। अगर आप लोग भी अपनी डिमांड पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जाके आप लोग कमेंट करें अपना टॉपिक लिख करके, इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।